You are listening Bollywood Connection. सच कहते हैं लोग कि प्यार ना धर्म देखता है ना जात पात, प्यार तो बस हो जाता है। जब ऐसा कोई जिंदगी में आता है जो बहुत खास लगने लगता है, जिसे देखकर दिल कहता है कि हाँ यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्यार की एक ऐसी दास्तां जिसने धर्म की परवाह ना करते हुए अपना प्यार हासिल किया। और ये दास्तां है क्रिकेटर जहीर खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस सागरिका की, जिन्होंने लव जिहाद जैसे शब्द को बहुत छोटा साबित कर दिया। भारत में दो ऐसी चीजें हैं जो हर घर में पहुंचती हैं, क्रिकेट और फिल्में। जहीर और सागरिका क्रिकेट और बॉलीवुड कनेक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दोनों की जोड़ी बहुत ही क्यूट जोड़ी मानी जाती है और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, लेकिन वो बस एक हाय हेलो वाली मुलाकात थी। दोनों की दोस्ती भी नहीं हुई थी, लेकिन सागरिका के कुछ दोस्तों ने उन्हें जहीर का नाम लेकर छेड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन सागरिका हमेशा यही कहती रही कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, बल्कि दोनों दोस्त भी नहीं है। इसी बीच एक दिन जहीर ने सागरिका को डिनर पर चलने के लिए पूछ लिया और उनके सामने ये भी शर्त रखी कि वो उनके साथ अकेले डिनर पर जाना चाहते हैं। हालांकि शुरुआत में सागरिका को जहीर की ये बात मजाक लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस बात का एहसास किया कि उन दोनों के बीच कुछ तो है। यहाँ से दोनों के बीच दोस्ती और फिर धीरे धीरे प्यार का सफर शुरू हुआ। दोनों हर जगह साथ नजर आने लगे। उन्होंने अपने रिश्ते को कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि जहीर खान के बर्थडे पर उन दोनों की तस्वीरों ने सोशल मीडिया में हलचल मचा दी, जिसके बाद मीडिया जगत में उनके रिश्ते को लेकर बातें बननी शुरू हो गई। और जब दोनों ने युवराज सिंह की शादी में एक जोड़े की तरह एंट्री की, तो इस बात ने अफवाहों को और ज्यादा बढ़ा दिया। दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। जहीर को जहां सागरिका की फिल्म की स्क्रीनिंग में देखा गया, वहीं सागरिका को आईपीएल के दौरान जहीर की बोली का समर्थन करते देखा गया। और फिर एक दिन सागरिका ने अपना और जहीर का एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसका कैप्शन था पार्टनर्स फॉरएवर। इसके बाद तो पूरी दुनिया को ही उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। दरअसल ये सब तब हुआ जब क्रिकेट से फ्री होते ही जहीर सागरिका के साथ वैकेशन पर गोवा गए और वहीं पर उन्होंने सागरिका को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिसके जवाब में सागरिका ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद लोगों ने उन्हें उनकी आगामी जिंदगी के लिए बधाइयां देनी शुरू कर दी। साथ ही हर कोई ये भी बातें करने लगा कि ये लोग निकाह करेंगे या विवाह या फिर दोनों। लेकिन जहीर और सागरिका दोनों ने ही रिलीजियस स्टंटबाजी को किनारे करते हुए 27 नवंबर 2017 को कोर्ट मैरिज कर ली। तो ये थी जहीर और सागरिका की प्रेम कहानी। और भी ऐसी कहानियों के लिए सुनते रहिए क्रिकप्लेक्स रेडियो, क्रिकेट का नया दौर।